प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे यानी बाबा साहेब पुरंदरे का सोमवार तड़के पुणे में निधन हो गया है। वे 99 साल के थे। पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर धनंजय केलकर ने कहा कि बाबा साहेब को उम्र संबंधित बीमारियां थी। उन्होंने आज सुबह 5:07 पर अंतिम सांस ली। अस्पताल ने कहा है कि उन्हें निमोनिया भी हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को पार्वती स्थित उनके आवास पर लाया गया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे हैं। उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा साहब का जन्म 29 जुलाई 1922 को हुआ था। उन्हें महाराष्ट्र में शिव शहर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा साहब ने महान नाटक जानता राजा के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को घर घर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह महानाट्य न केवल महाराष्ट्र में बल्कि आंध्र प्रदेश, गोवा और देश के अन्य हिस्सों में भी प्रसिद्ध हुआ। बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर कई किताबें लिखी हैं और अपना जीवन इतिहास और शोध के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें 2019 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खऱ्या अर्थाने शिवचरित्र आणि शिवरायाचं महत्व त्यावेळच्या विद्यार्थ्यांना तरुण पिढीनं समजावून सांगितलं। त्यातून राष्ट्रभक्तीची भावना निर्माण झाली आणि शिवरायांचा इतिहास कळला। माझ्यासारख्या अनेक तरुणांना त्या काळात ही प्रेरणा बाबासाहेबांनी दिली आणि त्यांचे जे संस्कार होते, त्यांनी जी माहिती इतिहास सांगितला, त्यातूनच व्यक्तिमत्व घडलं। त्या बाबासाहेबांना आम्ही आयुष्यात कधी विसरू शकत नाही, कारण शिवाजी महाराजांचं यथार्थ जीवन प्रभावीपणे समजावून सांगितलं आणि त्यामुळे त्यांचं जीवन शिवरायांच्या इतिहासाने अजर बनलं। येणाऱ्या पिढ्यांपिढ्या त्यांना कधी विसरू शकत नाही, एवढं मोठं कॅपिटल। त्यांच्या आत्म्याला शांती द्यावं ही शिवशिवाचरणी प्रार्थना। उन्होंने न केवल शिवराय का इतिहास लिखा बल्कि पेशवाओं के इतिहास को भी दुनिया के सामने रखा। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।